हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. हम लोग आए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन जा रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट से. तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू उत्तराखंड. हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कौन सा जगह जाने का, कौन सा जगह जाने का, बिकॉज बहुत सारी जगह मैंने देखी हुई है और जो मैंने नहीं देखी है वो अमृता ने देखी हुई है. तो वी वॉन्टेड टू गो समवेयर वेयर दोनों ने भी नहीं देखा है. तो या तो उत्तराखंड एक जैसा जगह था जो हम दोनों ने भी नहीं देखा है. तो येस, वी आर गोइंग देयर. अभी हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है एंड अभी दिल्ली तक फ्लाइट है और दिल्ली से हम लोग वी हैव अ कैब. तो दिल्ली कैब से हम लोग जाएंगे देहरादून और देहरादून से मसूरी. चलो एक साल पहले हम लोग यही इसी टेबल पे बैठ के सैंडविच खा रहे थे और मुझे यहाँ पे निखिल दिखा था, बी यूनिक वाला. यस, थाईलैंड का फर्स्ट डे का व्लॉग देखो, यहाँ पे देता हूँ मैं आपको, तो वो देख लेना. उसमें है हम लोग यहीं पे बैठ के खा रहे थे सैंडविच अमृता और मैं. सो जस्ट लैंडेड इन दिल्ली और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारे टैक्सी ड्राइवर का जो हमें यहाँ से लेके जाएगा देहरादून, जो कि है 6 to 7 hours का जर्नी और उसके आगे डेढ़ या दो या तीन घंटे का जर्नी है मसूरी. तो या अभी तो पूरा टाइम मैं तो सोने वाला हूँ. अभी अमृता का थोड़ा बहुत नींद हुआ है. टू कॉल्ड एट चीतल ग्रैंड फॉर ब्रेकफास्ट. यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडी है. दिल्ली में भी बहुत 18 डिग्री था और बाहर आके एकदम हवा वगैरह बहुत ठंडा चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा था. अच्छा, अभी 2 घंटा सो के हो गया हम लोग का. इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग. वहाँ से आगे कुछ और 5 घंटा लगेगा देहरादून के लिए और उसके बाद आगे 2 घंटा. आते हैं कुछ तो लाइट ही खाएंगे क्योंकि जर्नी है गाड़ी का, तो पेट खराब नहीं होना चाहिए. अभी हम लोग उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जा रहे हैं. वहाँ पे एक चौकी है, वो चौकी क्रॉस करके हम लोग उत्तराखंड चालू करेंगे और यहाँ से आगे कुछ 1-2 घंटे में देहरादून आता है. लेट हो गया यार, बीच में रास्ता बहुत ख़राब था. देहरादून सिटी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है. मतलब पहाड़ी इलाका अभी तक ज़्यादा चालू नहीं हुआ है, यहाँ से आगे पहाड़ी इलाका चालू होता है. क्लाइमेट बहुत सही है. मसूरी पहुँचने से पहले एक टेम्पल आता है प्रकाशेश्वर करके, जो शिवा का टेम्पल है. लोग अभी अंदर जाके देखते हैं, बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है. देखा है क्या ऐसे कभी? ऊपर पहुँचते पहुँचते और एक स्पॉट आता है जो कि है मसूरी झील, तो वही देखने जा रहे हैं. यहीं पे कुछ खाना वाना खा लेंगे, ऑमलेट वगैरह, क्योंकि अभी थोड़ा बॉडी में गर्मी का ज़रूरत है. ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. अंदर आने के लिए 12 रुपये टिकट है, 10 रुपये बेस फेयर और 2 रुपया GST, दैट इज 18% GST. वहाँ पे झील. अच्छा स्पॉट बनाया है.
दो तीन शॉपिंग से शॉपिंग की चीज़ें हैं, फिर ये हॉन्टेड हाउस है, फिर एक सिनेमा हॉल है और ओवरऑल इट्स गुड। एक घंटा तो टाइम पास हो ही सकता है यहाँ पर, क्यों ये ठंडी की वजह से। मॉल रोड पे हमारे ड्राइवर ने हमको ड्रॉप किया है और यहाँ से कुछ 500 मीटर्स पे हम लोग का होटल है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मॉल रोड पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, लाइक टैक्सीज अलाउड नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत छोटे रास्ते हैं तो ट्रैफिक का बहुत पंगा है। तो इसके लिए आप कभी भी यहाँ पे आओगे तो ट्राई करना कि मॉल रोड चालू होने से पहले ही होटल बुक करो, तो आपको ये अननेसेसरी का बैगेज लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। और ये है हमारा होटल, लोकेशन तो देखो, थोड़ा नज़दीक आते तो बहुत अच्छा होता था। चलो ठीक है, अभी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और फिर मार्केट चले जाएंगे, मॉल रोड। अंधेरा देखो हो गया, 5 बज गए ऑलमोस्ट, अंधेरा हो गया, ठंडी के दिन है ना इसके लिए। ठीक है, एक दो घंटा, अभी एक घंटे में फटाफट अभी रेडी हो जाते और उसके बाद जाते हैं मॉल रोड। दिस इज़ आवर रूम एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑसम राइट। सुबह मज़ा आएगा, यहाँ से जब सनराइज होगा तो देखने में बहुत मज़ा आने वाला। चलो अभी फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद निकलते हैं मॉल रोड। वो मिट्टी का ही है ना? अच्छा, सो वी गॉट दिस फॉर अमृता फॉर 1000 rupees, सुपर चीप ना। बट आर यू फीलिंग वार्म अमृता? यस, ओके, सो वैल्यू फॉर मनी। आज यहाँ पे इलेक्शन था तो बहुत सारी चीज़ें आज बंद है, तो मोस्टली हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा। आज एक दो चीज़ें खरीदी हम लोग ने और या अभी कुछ 8 बजे है और जाते हैं और कुछ खाना खा के सो जाएंगे क्योंकि कल कुछ भी नींद नहीं हुआ है और ठंडी भी बढ़ते ही जा रहा है जैसे रात होते जा रहा है। चलो यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंडी बढ़ गई है अभी। विल गो नाउ, विल हैव अ डिनर एंड देन विल स्लीप। दैट्स इट फॉर द टुडे, विल सी यू टुमारो एंड टिल देन घूमते रहो, घुमाते रहो एंड हैव फन इन योर लाइफ गाइज। बाय।